Good morning, class 10. Today we are going to start class 10 civics chapter 1 power sharing. आज क्या है हम सीरीज का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर है पावर शेयरिंग. तो स्टार्टिंग करते हैं हम. सबसे पहले पावर शेयरिंग का मीनिंग हम समझेंगे. पावर शेयरिंग मतलब ये खुद ही क्या अपने मीनिंग डिफाइन करता है. पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर को शेयर करना, पावर को बांटना. और वो पावर किसमें शेयर होती है, किसमें किसके बारे में बात की गई है? पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें बताया डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही थी. डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में क्या होती है, जो पावर होती है वो क्या होती है, शेयर होती है. मतलब वो क्या है, जो पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है बल्कि वो क्या है, बटी हुई होती है. वो पावर किस चीज में बटी हुई होती है? पावर किसमें शेयर होती है? अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इसमें क्या है, वो पावर बटी हुई होती है. और इनमें पावर क्यों बटी हुई होती है? ताकि कोई एक क्या है, उन पावर का मिसयूज ना कर सके. इसलिए जो पावर है वो क्या है, बटी हुई होती है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में ये पावर डिवाइड होती है. तो देखिए हम फैक्ट करते हैं. जो लेजिस्लेचर है वो क्या होता है, ये क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम करते हैं. और ये क्या, इसमें कौन कौन होते हैं, लॉ मेकिंग में कौन कौन होते हैं, जो हमारे राज्य लोकसभा और राज्यसभा है वो क्या होते हैं, हमारे लेजिस्लेचर में आते हैं. सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं. मतलब उन लॉ को जो लागू जो बनाते हैं लोग, लॉ मेकिंग का जो काम करते हैं, जो लॉ लेजिस्लेचर में बनाए हैं उनको क्या है, उनको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब लागू करता है कौन, एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी क्या करता है, जो क्या है, इन लॉ को जो बनाए हैं उनको न मानने वाले को दंड देते हैं. इसमें कौन आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है. इज वेरी इम्पोर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या है इम्पोर्टेंट, पावर शेयरिंग. तो फर्स्ट हम क्या है, इसमें अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताया है. इनके हम क्या है माध्यम से हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है इसमें बेल्जियम. बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. क्या बताया है इसमें, कि जो बेल्जियम है वो क्या है, यूरोप की सबसे ज़्यादा स्मॉल कंट्री है. और कितनी छोटी है, कि जो हमारा इंडिया के जो स्टेट है हरियाणा, वो हरियाणा से भी छोटी है. इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़. मतलब जो इसकी पॉपुलेशन है वो क्या है, 1 करोड़ से भी कम है. अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. और जो कितनी है, हरियाणा की पॉपुलेशन की हाफ है. आगे है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो इसकी एथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की, वो कैसी है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है. 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. इसमें क्या है, बेल्जियम में जो 59% जो पीपल है वो किस रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं. नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, कि जो 40% पीपल हैं बेल्जियम के, वो कहाँ रहते हैं, कॉलोनिया रीजन में रहते हैं. और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, स्पीक फ्रेंच. वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. और जो 1%, जो रिमेनिंग 1% है वो क्या बोलते हैं, वो बेल्जियंस स्पीक जर्मन. ये कहाँ रहते हैं, बेल्जियंस में रहते हैं. वो क्या बोलते हैं, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच. तो जो कैपिटल सिटी है इसकी, बेल्जियम की, क्या है, कैपिटल ब्रुसेल्स है. जो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे जो 80% पीपल है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. वाइल 20% आर डच. और यहाँ तक की 28% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. और 20% पीपल यहाँ पे क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज. द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल.
द मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी मतलब जिसकी पॉपुलेशन कम है उन पीपल की क्या है जो फ्रेंच बोलते हैं, तो जो कम्युनिटी है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है मेजॉरिटी मतलब कम है, वो रिलेटिव रिच एंड पावरफुल, लेकिन वो क्या है बेल्जियम बेल्जियम में रिच है और पावरफुल भी है, तो जो लैंग्वेज भी जो क्या है मेजॉरिटी क्या है मेजॉरिटी है पॉपुलेशन और वो क्या है रिच भी है और पावरफुल है, तो इस वजह से लीग टेंशन तो इसमें क्या हो जाता है मतलब झगड़ा हो जाता है किस किस के बीच में हो जाता है डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मतलब जो लोग डच बोलते थे और जो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे उनके बीच में क्या हो जाता है मतलब टेंशन क्रिएट हो जाता है। स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960 कब कब का हो गया है वो 1950 और 1960 में क्या है उनके बीच में मतलब लड़ाई हो जाती है, क्यों होती है क्योंकि जो ये डच बोलने वाले होते हैं उनकी क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है बेल्जियम में मतलब उनकी मेजोरिटी होती है, लेकिन वो क्या है पीपल रिच नहीं है और क्या है पावरफुल नहीं है, तो क्या है पीपल इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए मतलब जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक के लिए क्या है हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट किसका हो रहा था जो इंडियन के लोग थे वो कौन थे जो फ्रेंच बोलते थे, तो इसीलिए क्या है लैंग्वेज में झगड़ा हो जाता है, किस बेस पे होता है ओनली लैंग्वेज के बेस पे मतलब क्या होता है झगड़ा होता है, तो इसमें जो कम्युनिटी बटी हुई थी बेल्जियम में किस बेस पे बटी हुई थी वो लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी बटी हुई थी। आगे इसमें क्या बताया है बेल्जियम लीडर्स जो बेल्जियम के लीडर्स थे वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी एंड लैंग्वेज, तो बाद में जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्या है उन झगड़े को शांत करवाया और क्या कहा उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि हमें क्या है जो हमें हर लैंग्वेज की क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर कम्युनिटी की हमें क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे लिए सारी लैंग्वेज सब कम्युनिटी क्या है सामान्य है हमको क्या है सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए और सबकी लैंग्वेज की क्या है अपनी अपनी क्या नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में क्या बताया है कि हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, जो श्रीलंका है इसकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है डाइवर्स डाइवर्स यहाँ की पॉपुलेशन है, द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंघाला स्पीकर, जो यहाँ के जो मेजर सोशल ग्रुप थे वो क्या थे ज़्यादातर ग्रुप ऑफ आर सिंघाला स्पीकर मतलब वो क्या लैंग्वेज बोलते थे सिंघाला लैंग्वेज वो बोलते थे, ठीक है, और वो कितनी पॉपुलेशन थी जो सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे वो थे 74% पीपल थे और मोस्टली बुद्धिस्ट, और वो कौन से पीपल होते थे ज़्यादातर वो क्या थे बुद्धिस्ट थे जो क्या है सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे। तमिल स्पीकर्स नेक्स्ट कौन है इसमें तमिल स्पीकर्स हैं जो कितने थे तमिल स्पीकर्स 80% थे और जो कौन थे हिंदू और मुस्लिम थे जो 80% तमिल स्पीकर्स थे, इनमें कौन कौन आते हैं हिंदू और मुस्लिम आते हैं। तमिल स्पीकर्स डिवाइडेड इन श्रीलंका, तमिल स्पीकर्स में जो हो गया है श्रीलंका में डिवाइड होते हैं जिसमें डिवाइड होते हैं वो श्रीलंका तमिल्स श्रीलंका तमिल्स में डिवाइड होते हैं और इंडियन तमिल्स में डिवाइड होते हैं, तो श्रीलंका तमिल्स हैं वो कितने परसेंट हैं 30% तमिल नेटिव हो श्रीलंका, तो ये 30% हैं वो किसके नेटिव हैं श्रीलंका के नेटिव हैं और कंसंट्रेटेड जो वहाँ से हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। इंडियन तमिल्स प्लांटेशन वर्कर, इंडियन तमिल्स हैं वो क्या है वो क्या काम करते थे प्लांटेशन वर्कर का काम करते थे, प्लांटेशन वर्कर का काम कहाँ पर करते थे वे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिश का राज था कॉलोनियल युग इंडिया उस टाइम में वो क्या है प्लांटेशन का काम करते थे कहाँ पर इंडिया में, और क्रिश्चियन 7% उस टाइम पे वहाँ पे क्या थे जो क्रिश्चियन के वो कितने थे 7% थे और लैंग्वेज को थी उनकी स्ट्रिक्ट तमिल एंड सिंघाला लैंग्वेज और कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वो तमिल और सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ